स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि हम MySQL में को कैसे यूज़ करते हैं और उसमें हम कैसे एक डेटाबेस बनाते हैं, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि हम सबसे पहले एक डेटाबेस बनाते हैं और उस डेटाबेस के अंदर हम अपनी टेबल रखते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो इस लेक्चर में मैं एक बार फिर से रिवाइज करूँगा। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, सबसे पहले जैसे ये एंटर पासवर्ड आएगा आपको एंटर करना है। इस तरीके की एक कर्सर आपके पास आ जाएगा, वहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करनी है, शो डेटा बेसिस और टर्मिनेशन सिंबल। हर कमांड के एंड में डेटा टर्मिनेशन सिंबल ऐड ज़रूर करना है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एल्स एरर आ जाएगी। एंटर। देखिए, पिछली बार हमने RVIT और एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया था, मगर मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अगर हमें कोई भी डेटाबेस बनाना है तो हम उसके लिए कमांड टाइप करते हैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। मैं एक डेटाबेस बना रहा हूं एम्प्लॉय, एंटर। क्वेरी ओके का मतलब है आपकी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मुझे यह देखना है कि क्या मेरा एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना है या नहीं बना है, तो मैं टाइप करूंगा शो डेटा बेसिस टर्मिनेशन सिंबल एंटर। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि किसी डेटाबेस के अंदर हम कोई टेबल कैसे इम्प्लांट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक डेटाबेस सेलेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस है, तो मुझे किसी एक डेटाबेस का सिलेक्शन करना होगा जिसमें मैं टेबल्स इंसर्ट कर सकूं। तो मैं स्टूडेंट या RVIT या एम्प्लॉय कोई भी एक डेटाबेस यूज कर सकता हूं। उसके लिए कमांड होगी यूज, मैं टेस्ट ले लेता हूं, यूज टेस्ट और एंटर। डेटाबेस चेंज, यानी कि अब जो हमारा डेटाबेस है दैट इज टेस्ट। नाउ अब हमें एक टेबल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए कमांड होगी क्रिएट स्पेस टेबल। अब हम देंगे टेबल का नाम। टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने डाल दिया EMP या मैंने क्रिएट टेबल स्टूडेंट ब्रैकेट। अब हम उसमें क्या क्या डिटेल डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसमें डालना चाहता हूं रोल नंबर। रोल नंबर, अब रोल नंबर क्या है? रोल नंबर का हमें डेटा टाइप इंटीजर और उसका साइज, साइज हमें इसलिए डिफाइन करना होता है कि उसमें इस साइज की वैल्यू जा सकती है। मैं बाई डिफॉल्ट 40 कर देता हूं। अब मैं नेम, स्टूडेंट का नेम स्पेस देकर वर्कर डेटा टाइप 40 कॉमा ब्रांच वर्कर 40 और ब्रैकेट को हम करेंगे बंद और टर्मिनेशन सिंबल एंड एंटर। नाउ व्हाट यू विल सी, क्वेरी ओके। इसका मतलब हमारी जो टेबल है वो बन चुकी है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी क्वेरी बन चुकी है? इसके लिए हमें कमांड टाइप करनी होगी, दैट इज कॉल्ड DESC, जिस ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, DESC, और उस टेबल का नाम STUDENT टर्मिनेशन सिंबल। देखिए, आपके पास ये पूरी की पूरी टेबल आ गई है। आपने कौन कौन से फील्ड लिए हैं? रोल नंबर जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, नेम जिसका डेटा टाइप वर्कर है, ब्रांच जिसका डेटा टाइप वर्कर है। अब अगर मुझे इस, क्योंकि ये नल का मतलब है कि अभी इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, और नल यस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इस टेबल के अंदर हम एम्प्टी स्पेस छोड़ सकते हैं। इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम थोड़ा एक फ्लो में आ जाएंगे।
अभी हमें इस टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या क्वेरी चलाएंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल कौन सी, स्टूडेंट, और फिर वैल्यूज। अब वैल्यूज हमें देनी है जिस ऑर्डर में हमारे फील्ड्स वहां पर टेबल के अंदर हमने रिप्रेजेंट किए। फॉर एग्जांपल हमारे फील्ड्स की जो ऑर्डर है वो है रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। तो रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच, तो रोल नंबर वन ये वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं। डबल कोट्स में वैल्यूज को दीजिएगा, सिंगल में भी दे सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है। मैंने स्टूडेंट का नाम डाला रमेश, डबल कोट्स बंद, और ब्रांच मैंने डाल दी सीएससी, ब्रैकेट बंद कर दिया, टर्मिनेशन सिंबल एंटर, क्वेरी ओके। इसी तरीके से अगर मुझे और वैल्यूज देनी है, मान लीजिए मैं देना चाहता हूं रोल नंबर टू महेश सीएससी, तो इसको देने के लिए लाइन मुझे पूरी टाइप करनी पड़ेगी। अगर आप ये लाइन पूरी टाइप नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, जो आपका अपर एरो होता है, जो फोर एरोज होते हैं लेफ्ट राइट अपर और बॉटम, उसमें जैसे ही आप अपर एरो दबाएंगे आपकी पूरी की पूरी क्वेरी, जो आपने पिछली क्वेरी रन करी थी, वो टाइप हो के जाएगी। तो आप बैक स्पेस करके सिंपल यहाँ पर जाकर पूरी की पूरी आपको क्वेरी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडिट कर लीजिए, रमेश की जगह आप महेश डाल सकते, कुछ भी नाम डाल दीजिए, ये आपके ऊपर है, महेश और सी एस सी एंटर। यानी कि हमने दो वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर ली है। अगर हमें ये वैल्यूज देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, हमें देखनी है वैल्यूज, क्या ये वैल्यूज स्टूडेंट नाम की टेबल में इंसर्ट हुई है, तो इसके लिए हम क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग, सेलेक्ट स्टार यानी कि सेलेक्ट कर लो सब कुछ, कहां से, फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल से एंटर। तो आपके पास ये एक टेबल बनी हुई आ गई जिसमें फील्ड था रोल नंबर, नेम और ब्रांच, और उसके अंदर जो डेटा हमारे पास है वो आपको दिखाई दे रहा। होप आपको ये क्वेरीज अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेरीज के ऊपर और मोर इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। थैंक यू।